वेलकम टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ऑनलाइन होम क्लासेस विच इज़ ए डिजिटल इनिशिएटिव टेकन बाय अवर वर्दी डायरेक्टर श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दविंदर कौर, आई एम ए टीचर प्रेजेंटली पोस्टेड एट GPS मेहरा दिगवार माल डिस्ट्रिक्ट पुंछ। स्टूडेंट्स, यूं तो इंसान का परिंदों और जानवरों से प्यार कोई नई बात नहीं है। कदीम ज़माने से बच्चे परिंदों और जानवरों से प्यार करते आए हैं। बच्चे प्यार के बहुत भूखे होते हैं, खासकर बच्चे जानवरों और परिंदों के बच्चों के प्यार के बहुत भूखे होते हैं। जानवरों के निस्वार्थ प्यार, यानी कि जिस प्यार में कोई ज़ाती मुफाद ना हो, उस प्यार के भूखे सिर्फ बच्चे ही नहीं होते, बल्कि बड़े जवान सब उस प्यार के लिए तरसते हैं। यानी कि परिंदों और जानवरों के उस प्यार को सभी पाना चाहते हैं, जिस प्यार में कोई मतलब जो है नहीं होता। बच्चों, परिंदे और जानवर भी इंसानों से प्यार करते हैं और इंसानों की हिफाजत करते हैं, मगर मज़े की बात यह है कि उनके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर आपने घर में कुत्ता रखा होगा या किसी ने कुत्ता रखा होगा, तो हम देखते हैं कुत्ता क्या करता है। जब हम उदास होते हैं तो कुत्ता भी उदास हो जाता है, जब हम खुश होते हैं तो कुत्ता भी खुश हो जाता है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ साथ चलता है। तो बच्चों, कितना वफादार है वो कुत्ता। अगर वो इतना वफादार है जानवर होके, तो हमें भी उसके लिए वफादार होना चाहिए, हमें भी उसका ध्यान जो है अच्छे से रखना चाहिए। बच्चों, इसी तरह अगर किसी ने घर में तोता रखा है, तो हम जब तोते को कुछ सिखाते हैं तो वो सब सीख जाता है, मीठी मीठी आवाज़ में वो बोलता है। ये जानवर भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जानवर भी हमसे प्यार करते हैं। बेशक ये बेजवान हैं, ये बोल नहीं सकते, लेकिन हमें जो है इनकी देखभाल खुद करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों, जानवर और परिंदे बेजबान हैं, ये बोल नहीं सकते, ये बता नहीं सकते कि इन्हें कहाँ क्या तकलीफ़ हो रही है, इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, इन्हें कहाँ दर्द हो रहा है। ये हमें खुद समझना है और इनकी देखभाल जो है करनी है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम एक परिंदे के बारे में ही पढ़ेंगे, एक परिंदे के बारे में ही जानेंगे, जो परिंदा है बुलबुल का बच्चा। तो बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब से तीसरा सबक, तीसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुलबुल का बच्चा। खाता था खिचड़ी, पीता था पानी बुलबुल का बच्चा। खाता था खिचड़ी, पीता था पानी बुलबुल का बच्चा। बच्चों, इस नज़म में एक बच्चे की ज़बानी एक बुलबुल के बच्चे की कहानी बताई गई है कि बुलबुल का बच्चा कैसे खाता है और कैसे पीता है। बुलबुल जो है अपनी चोंच में नरम गज़ा जो है बाहर से उठा के लाती है और घोंसले में जो उसका बच्चा है उसकी चोंच में डालती है। बच्चों, आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि चिड़िया जो है दाना उठाकर लाती है और घोंसले में बच्चों के मुंह में डालती है, और बच्चे जो है वो अपनी चोंच खोलते हैं। आपने ये कई बार देखा होगा। तो ऐसे ही बुलबुल जो है नरम गज़ा बाहर से उठा के लाती है और अपने बच्चे के मुंह में डालती है। बच्चों, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, इनके पर नहीं होते, ये उड़ नहीं सकते कि बाहर जाके खुद कुछ खाएं, इसलिए जब तक इनके पर आते ये उड़ सकते, इनको माँ जो है खाना खिलाती है, और ये जब बड़े हो जाते हैं फिर ये उड़ जाते हैं और खुद जाकर खा सकते हैं। तो इसीलिए इस नज़म में एक बच्चा जो है कह रहा है कि खाता था खिचड़ी, पीता था पानी बुलबुल का बच्चा। बुलबुल का बच्चा खिचड़ी खाता और पानी पीता था। गाता था गाने मेरे सिरहाने बुलबुल का बच्चा। गाता था गाने मेरे सिरहाने बुलबुल का बच्चा। तो वो बच्चा कहता है कि मेरे सिरहाने बुलबुल का बच्चा मीठी मीठी आवाज़ें निकालता था, चूं चूं करता था, तो उसकी आवाज़ें जो है उसको गाने की तरह लगती थी। ऐसे लगता था बच्चे को कि वो बुलबुल का बच्चा जो है
गाना गा रहा है, इसलिए वो बच्चा कहता है गाता था गाने मेरे सराहने बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा मेरे सराहने मेरे पास बैठकर गाने जो है गाता था। एक दिन अकेला बैठा हुआ था बुलबुल का बच्चा, एक दिन अकेला बैठा हुआ था बुलबुल का बच्चा। तो बच्चों फिर क्या हुआ, इस नज़म में बच्चा बता रहा है कि एक दिन बुलबुल का बच्चा जो है अकेला जो है बैठा हुआ था, वो थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके पर जो है वो आ चुके थे, उसकी माँ जो है कहीं बाहर गई हुई थी और वो अकेला बैठा हुआ था। फिर आगे क्या हुआ, मैंने उड़ाया वापस ना आया बुलबुल का बच्चा, मैंने उड़ाया वापस ना आया बुलबुल का बच्चा। तो फिर वो बच्चा कह रहा है नज़म में कि मैंने उस बुलबुल के बच्चे को उड़ा दिया और वो उड़ गया, क्योंकि उसके पर आ चुके थे और फिर वो वापस कभी नहीं आया। ये जो नज़म है इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं, आओ इन मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। पहला है खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब होता है एक खुराक जो दाल और चावल को मिलाकर बनती है। दूसरा है सराहने। सराहने का मतलब है सर के पास। और तीसरा है अकेला। और बच्चों अकेला का मतलब होता है तन्हा। अब हम सवालों के जवाब देखते हैं। पहला सवाल है खिचड़ी कौन खाता था। तो बच्चों बताओ खिचड़ी कौन खाता था। तो खिचड़ी बुलबुल का बच्चा खाता था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बुलबुल का बच्चा खिचड़ी खाता था। सवाल नंबर दो है क्या उड़ने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस आया। तो बच्चों क्या उड़ने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस आया था, नहीं ना आया था। तो हम यहाँ लिखेंगे उड़ने के बाद बुलबुल का बच्चा वापस नहीं आया। सवाल नंबर तीन है बुलबुल का बच्चा क्या पीता था। बच्चों बताओ बुलबुल का बच्चा क्या पीता था, पानी पीता था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बुलबुल का बच्चा पानी पीता था। आगे है हरफ अलग अलग करके लिखें। पहला है पानी। तो बच्चों पानी जो है कैसे लिखा जाएगा अगर इसे अलग अलग हरफ करके लिखें, तो हम ऐसे लिखेंगे पे अलफ़ा नून छोटी ए नी पानी। दूसरा है गाता, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे गाफ अलफ गा ते अलफ ता गाता। उसके बाद है खाता, तो खाता बच्चों हम कैसे लिखेंगे कीफ एक ही बनी खे अलफ खा ते अलफ ता खाता। उसके बाद है पीता, तो बच्चों पीता कैसे लिखेंगे पे छोटी ए पी ते अलफ ता पीता। उसके बाद है वापस, तो बच्चों वापस कैसे लिखेंगे हम वाओ अलफ पे सीन वापस। उसके बाद है बैठा, तो बैठा कैसे लिखेंगे बे बढ़िए टे की बनी ठे अलफ बैठा। आगे है सारे, तो ये हम कैसे लिखेंगे सीन अलफ सा रे बढ़िए सारे। तो बच्चों ये कौन कौन से अल्फाज है, पानी गाता खाता पीता वापस बैठा सारे। बच्चों आगे है ये नीचे कुछ तस्वीरें दी गई हुई हैं, हमें इनको रंग भरना है और इनके नाम लिखने हैं। तो पहला है बगुला, दूसरा है कौआ और तीसरा है तोता। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये नज़म आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस नज़म में क्या बताया गया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस नज़म में बताया गया है कि हमें जानवरों और परिंदों से प्यार करना चाहिए। बच्चों जानवरों और परिंदों से गुरु पैगंबर भी बहुत प्यार करते थे, जैसे कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पास हर वक्त बाज रहता था और शेरां वाली माता के पास शेर और बाबा बालकनाथ जी के पास मोर रहता था। स्टूडेंट्स आई होप You understood this point very well. Take care. Goodbye.